कांड हो गया दिखने में ऑसम। सो हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम टू माय सिनेल्स ऑफिस ब्लॉग। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं और मंडन ब्रो जा रहा हूँ लाहौटी, जो संभवत रिवर का सबसे बड़ा स्विस गेट है। तो हम लोग अभी वहाँ पे घूमने के लिए जाऊंगा एंड वहाँ पे मतलब स्कूल पिकनिक के लिए जाना मतलब बेस्ट है एंड लाइक आप फ्रेंड लोग के साथ भी जा सकता है। तो वहाँ पे जाओ, घूमो फिरो, फोटोशूट करो, मतलब बेस्ट है। फोटोशूट करने एकदम बेस्ट जगह है, मतलब फोटोशूट करने के लिए सिरांग डिस्ट्रिक्ट में इससे अच्छा प्लेस और हो ही नहीं सकता। सच में बता रहा हूँ, मेरे दिल से, मतलब मैं भी जाता हूँ वहाँ पे घूमने के लिए। तो आप लोग भी चलो वीडियो के साथ, तो आप लोग बने रहे वीडियो पे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो गाइस जाने के लिए फुली रेडी हो गए एंड अभी जाऊंगा मनन ब्रो के घर में एंड वहां से उसको पिकअप करके फिर जाऊंगा। सो गाइस फाइनली मनन के घर में पहुंच गया और ये रेडी है पूरा। गाइस ये मनन का रूम है एंड ये भी ब्लॉगिंग करता है एंड ये इसका तो सेटअप तो देखो अलग ही, मतलब मेरे से ज्यादा सेटअप है। अच्छा सेटअप है भाई, बहुत अच्छा। कितने में खरीदा ये? मेरे को भी लेना पड़ेगा इसे। 450 अच्छा है। सो गाइस चलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं, ये मनन ब्रो तो पीछे है ही एंड अभी जाऊंगा ड्राइव करते करते। तो धीरे धीरे जाते जाते पूरा बोल दूंगा वीडियो पे कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ से आई होप 21 किलोमीटर है, तो यहाँ पे जाते जाते हम लोग बता देंगे, मतलब जगह दिखा देंगे कहाँ से कहाँ पे जाना पड़ता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो। गाइस अभी हम लोग को लेना है राइट टर्न एंड ये जगह का नाम है समठाईबरी। सीधा जाने पर मतलब मिलेगा कोकराझार एंड राइट टर्न लेने पर भूटान भी जा सकता है। लाइक यहाँ से 20 किलोमीटर है भूटान एंड समठाईबरी से अभी हम लोग को 5 किलोमीटर जाने पर मिलेगा लाहौटी, जो नियर बाय गोरुभाषा है। तो गोरुभाषा से 2 किलोमीटर यह गोरुभाषा का मार्केट है जो ओनली वेडनेसडे को खुला रहता है। यहाँ पे एक्चुअली आज रास्ता खराब है क्योंकि बारिश था, इसलिए रास्ता पूरा खराब है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गया, मतलब लाइक देखो नजारा कितना औसम है यहाँ पे। आप लोग आओ घूमो फिरो, पूरा फुल्ली एंजॉय करो कि यहाँ पे नजारा बहुत औसम है। हम लोग तो यहाँ पे देखो, मैं नजारा दिखाता हूँ, रुको रुको सबर करो। गाइस ये तो स्विस गेट है, तो इसका मेन बनाने का रीजन है कि देखो इसे मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से मतलब मेन जो है, मेन मतलब नदी वो है उस साइड में है, वो पानी जाता है, वो स्विस गेट है, बहुत बड़ा सा है एंड इसका जो ये पार्ट जो है इससे मतलब यहाँ से अंदर से वहाँ पे करंट बनाता है। तो इसका मेन बनाने का रीजन ही यही है एंड यहाँ पे पार्क भी है। आप लोग आओ तो फैमिली के साथ आ सकते हो, स्कूल से कॉलेज से लाइक यहाँ पे पिकनिक के लिए आ सकते हो, बेस्ट जगह है। देखो क्या नजारे है भाई, औसम एकदम, दिखने में औसम। आप लोग आओ, मतलब देखो मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। ओके वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाने पे। लेकिन यहाँ पे बहुत पानी है, एकदम क्या ही बोलूँ, यहाँ पे एकदम पानी ही पानी, फुल्ली पानी एंड ये पार्क है यहाँ पे। मतलब स्कूल से कॉलेज से लाइक फैमिली के साथ आ सकते हो यहाँ पे। गाइस ये है गोरुभाषा का, मतलब गोरुभाषा से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है भाई। आप लोग आओ घूमो फिरो, एकदम औसम है। आप लोग यहाँ पे मतलब पिकनिक भी कर सकते हो, मतलब लाइक कॉलेज से आओ, स्कूल से आओ, फैमिली के साथ आओ, पिकनिक करो, अच्छा है जगह, प्लेस बहुत अच्छा है। आप लोग ने तो देख ही लिया यहाँ पे क्या क्या नजारा है। सो गाइस देखो क्या नजारा है, औसम व्यू है भाई। गाइस आप लोग यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए आ सकते है, बेस्ट प्लेस है यहाँ पे फोटो, मतलब उस साइड में फोटो, वहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे खींचते हैं फोटो। गाइस इसका जो मेन चीज है वो है यहाँ पे जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, मतलब लाइक यहाँ पे 5 मेगावाट का करंट बनाता है। तो यहाँ पे मेन रीजन यही है, इसका वजह से ही मतलब यहाँ पे स्विस गेट हुआ है इतना बड़ा सा। ये मतलब भूटान के पास ही है, ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ से भूटान, लाइक 15 किलोमीटर, तो ज्यादा दूर नहीं है। ये भाई तो पूरा देखो ब्लॉगिंग कर रहा है भाई बेचारा। हाँ भाई बनाते रहो बनाते रहो। तो इसके अंदर मैं घुसता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग। सो गाइस आज एकदम लो लाइट है, इसलिए मतलब वीडियो क्वालिटी शायद अच्छा नहीं आ रहा है। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे उस साइड। बहुत ही नॉनसेंस हुआ मेरे साथ, दो हेलमेट मुझे पकड़ा दिया। अच्छा बात है भाई, नेक्स्ट मतलब पहले व्लॉग में मेरे साथ ऐसा ही किया था तुमने, पता है, याद है, याद होगा ही। अभी हम लोग उस साइड में जा रहे हैं, उस साइड केयरफुल ब्रो। ओके
को गाइस कांड हो गया क्योंकि एक गाड़ी गिरने वाला था, मतलब बाइक गिरने वाला था यहाँ पे, इसलिए कांड हो गया। एंड हम लोग का जूता देख तो पूरा भीग गया, यहाँ पे पानी ज्यादा था और हम लोग फिसलने वाला था, पूरा गिरने वाला था यहाँ पे, देख कांड हो गया यहाँ पे यार। इसका जूता, मेरा तो बात ही मत करो, मेरा एकदम गया पानी, जूता पूरा गया। गाइस देखो ना, यहाँ पे पत्थर बहुत है, जिन लोगों को पत्थर अगर लेना है घर के लिए, पत्थर मतलब घर के लिए नहीं, अगर सजाने के लिए लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, मतलब अवेलेबल पत्थर है, ऐसे ही ले सकते हैं आप लोग, मतलब थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, अगर ज्यादा लो तो खरीद के लेना पड़ेगा। इधर देखो ना, ऑसम है जगह, अच्छा है, बहुत ऑसम प्लेस। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट भी जरूर कर दियो अगर अच्छा लगे, एंड चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ तो एक लाइक तो बनता है, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस आप लोग मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, Sofia2। इसमें इंस्टाग्राम में हर टाइम एक्टिव रहता हूं, तो वहां पे आप लोग मतलब फॉलो करके वहां से बातचीत कर सकते हो मेरे से, चैटिंग करो वहां पे फॉलो करके। अभी घर जाने वाला हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई होप कुछ अलग सा होने वाला है क्योंकि बोंगाईगांव में शूट लूंगा एक्चुअली, मतलब सोच रहा हूं टी शर्ट में थोड़ा मतलब चैनल का नाम लिखाऊंगा, तो आप लोग भी अगर लिख सकते हो मतलब टी शर्ट में लिख सकते हो नाम, तो नेक्स्ट वीडियो में बोलता हूं मैं।